हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करने वाला हूँ आईटी शेयर पे और आईटीसी पे। ये मेरी इंट्राडे मतलब आज के दिन में दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो मैंने अराउंड 11:30 बजे की डाली। स्टॉक 235 पे ट्रेड कर रहा था, जहाँ मेरी आपके लिए सलाह थी कुछ भी नहीं करने की। एंट्री बनाने की सलाह मैंने साफ मना करा था कि बिल्कुल एंट्री बनाए। तो अभी आप कहोगे यार ये तो बढ़ गया, तो गलत दे रहे हो। तो देखिए, जो पूरी एडवाइस थी वो आपको बताऊं, आप चाहो तो वीडियो भी देख सकते हैं। आज दिन आइए, मेरी एडवाइस थी कि 235 इस रिवॉर्ड फेवर में नहीं है, आप बाय मत करिए, या तो डिप पे बाय करिए या फिर जो 52 वीक हाई इसका 239 का है वो जैसे ही ब्रेकआउट दे बाय कर लीजिए। ये दो कंडीशन थी। देखिए, नीचे तो डिप मिली नहीं, लेकिन ऊपर के लेवल में ब्रेकआउट मिल गया और शेयर ने जैसे ही 52 वीक हाई तोड़ा है वैसे ही स्टॉक आपको 3 रुपए तो ऊपर, यानी 1.5% की तेजी तो इंस्टेंटली उसने आपको दे दी है। लेकिन अब अगर आपने पोजीशन बना ली तो अब आपको होल्ड करनी है पोजीशन। देखिए, मेरा स्टॉप लॉस अब बढ़ के कहां जाएगा, जैसा कि मैंने आप सभी को बोला 230 या 235 की क्लोजिंग बेसिस पे आ जाएगा। अगर पोजीशन में ये क्लोजिंग मिल जाए 240 के ऊपर तो बहुत ही ज्यादा शानदार होगा। अगर किसी के पास भी आईटीसी का स्टॉक तो उसके लिए क्या होगी राय, या फिर अब फ्रेश एंट्री बनाना चाहते हैं तो क्या हो सकते हैं टारगेट, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो को करते हैं शुरू। पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास कोई भी स्टॉक है जिससे रिलेटेड आप मुझसे बात करना चाहते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी पंडित ब्रदर्स पे आके आप मुझसे बात कर सकते हैं। देखिए, आईटीसी में गाइस एक बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और इसकी खुशी एक अलग ही की है, क्योंकि काफी टाइम तक ये शेयर अंडर परफॉर्म करता रहा। काफी मजाक भी बना इस स्टॉक का, जिसकी कोई नहीं है और आप सभी को पता है। लेकिन इन्वेस्टर नाम है जिसमें पेशेंस हो, जो होल्ड करे, जो कुछ ना देखे बस होल्ड करके बैठे। अगर वो है, वो बैठा था तो वो आज प्रॉफिट में है और अभी भी बैठा होगा, और उसका टारगेट 2-4 रुपए का नहीं होगा, बड़ा होगा। देखिए, आपसे क्या, 240 के ऊपर जैसे ही निकले बाय कर, आप मीडियम टर्म में इसके 260 के लेवल देखेंगे। देखिए, मुझे जो लगता है वो मैं आपको बता दूं, मिनिमम 250 260 and 265, इन तीन टारगेट्स के लिए पोजीशन में बने रहने की सलाह है। SL 235, देखिए काफी ज्यादा बड़े ब्रेकआउट के साथ साथ वॉल्यूम देखिए, 40 मिलियन प्लस वॉल्यूम्स ट्रेड हो चुके हैं अभी तक। और अभी टाइम बताऊं आपको, 2:30 बज रहे हैं तक 40 मिलियन प्लस वॉल्यूम ट्रेड हो चुके हैं। एवरेज वॉल्यूम अराउंड डबल से ज्यादा वॉल्यूम्स ट्रेड हो चुके हैं, वॉल्यूम्स के साथ तेजी है और 52 वीक हाई के ऊपर निकला है। इतने बड़े कंसोलिडेशन के बाद जब शेयर ब्रेकआउट देता है तो छोटा मोटा ब्रेकआउट बिल्कुल नहीं होता। 220 के ऊपर निकलते ही आप सभी से कह दिया था अब तेजी बढ़ी आएगी और 239 तक टेस्ट करेगा, और 239 का जो 52 वीक हाई ब्रेक करने के बाद बड़ी तेजी बनेगी। देखिए, ब्रोकरेज हाउसेस इस स्टॉक पे काफी ज्यादा बुलिश है, उनका मानना है 300 350 330, ये सारे टारगेट है उनके। गाइस, अगर आप इस स्टॉक में टाइम दे सकें करीब करीब 3-6 महीने से 9 महीने तक, मैं थोड़ा ज्यादा लेके चलता हूँ टाइम, इनफैक्ट 3 महीने भी काफी, बट मैं 6 महीने से 9 महीने तक का लेके चल रहा हूँ, इतना टाइम दे सके तो ये स्टॉक आपको करीब करीब 20-30% के रिटर्न दे सकता है इस लेवल से। तो पोजीशन में बिल्कुल ना निकले, बिल्कुल जल्दबाजी ना करें प्रॉफिट बुक करने की, बने रहें। काफी बड़े कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है, काफी बड़ी तेजी आएगी बनेगी, जो बना रहा वो प्रॉफिट लेके जाएगा और जो खरीद बेच करता रहेगा वो कहीं ना कहीं आईटीसी का पूरा प्रॉफिट नहीं ले पाएगा। ये है मेरी वीडियो आईटीसी शेयर पे। और आप सभी को पता है आईटीसी का 10% का डिविडेंड तो कहीं गया ही नहीं है आपका, इनफैक्ट अब तो 11% की डिविडेंड यील्ड हो गई है, तो वो एक बोनस है आप सभी के लिए। तो ये थी मेरी पूरी वीडियो आईटीसी शेयर पे, वो आप सभी को समझ और पसंद दोनों आई होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।